हाथरस में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। धर्म से जुड़े रहना ये समझ आता है, पर जहां 15,000 लोगों की व्यवस्था हो वहां पे 50,000 लोग पहुंच जाएं, तो इसमें आप गलती किसकी मानोगे? ऑब्वियस सी बात है कि ये गलती यहाँ पे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की है। उन्हें पता था कि हमारी कमिटी ने ऐसा इंतजाम नहीं कर रखा है जहाँ इतने लोगों की भीड़ आ सकती है, फिर भी उन्होंने अपना सत्संग जारी क्यों रखा? दूसरी गलती जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो लोकल थाने की है। क्या सच में कहीं पे 50,000 लोग आ रहे हैं और उसके बारे में लोकल पुलिस स्टेशन को पता ही नहीं है? सरकार इसमें 100% दोषी है। और वो कैसे है इसके बारे में आप ऐसे समझिए कि कहीं पे अगर गैदरिंग होती है तो सबसे पहले हमें थाने से परमिशन लेना पड़ता है। अगर भोले बाबा ने सत्संग करवाने से पहले किसी भी तरीके का लोकल थाने से परमिशन लिया था तो वो मीडिया के सामने उस ऑर्डर को दिखा दें जो उन्हें लोकल थाने ने दी थी। पर मैं आपको गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद जो भी लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे ये सवाल गलत हैं? क्या मैं आपको इन सवालों से एंटी हिंदू या एंटी मोदी दिख रहा हूँ?